आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, आवर क्वेश्चन इज डिस्कस विद योर टीचर एंड फाइंड आउट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लास्मिड डीएनए एंड क्रोमोसोमल डीएनए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लास्मिड डीएनए के बारे में और क्रोमोसोमल डीएनए के बारे में हमें डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। तो प्लास्मिड डीएनए आपका क्या होता है, ये आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है। ये आपका जो प्लास्मिड डीएनए होता है ये भी सर्कुलर होता है, ठीक है। सर्कुलर होने के साथ साथ ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये आपका किस में मिलता है, ये मिलता है आपका बैक्टीरियल सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्लास्मिड डीएनए का यूज़ क्या है, तो इट इज़ यूज्ड एज अ वेक्टर। और किस तरह की चीज़ में ये वेक्टर का तरह यूज़ होता है, ये यूज़ होता है आपका टेक्नोलॉजीज, जैसे कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है हमारी, जब जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक टेक्नोलॉजी है ये रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इस तरह की पर्टिकुलर रिसर्चेज में या पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में या बायोटेक्नोलॉजी में इस तरह की पर्टिकुलर टेक्निक्स को परफॉर्म किया जाता है, एज ए वैक्टर आपके प्लास्मिड डीएनए को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्लास्मिड डीएनए। वही हम बात करें क्रोमोसोमल, क्रोमोसोमल, ठीक है, वो आपका क्या होता है, क्रोमोसोमल डीएनए आपका वो पर्टिकुलर डीएनए होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और आपका एंटायर डीएनए जो भी आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, एंटायर डीएनए जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है और साथ साथ क्या करता है, हेरिडिटी को मेंटेन करता है। हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी आपकी वो प्रोसेस होती है जिसमें जनरेशन टू जनरेशन आपकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। और आपके बॉडी के अंदर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं, जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो भी आपके क्रोमोसोमल डीएनए, डीएनए उसी के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करें तो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम। अब जो ये क्रोमोसोम होते हैं इनके अंदर ही तो डीएनए प्रेजेंट होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये होता है क्रोमोसोमल डीएनए। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विद दिस थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।